इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 का SST सोशल साइंस का वर्कशीट नंबर 12 जो कि हमें 1 तारीख को सबमिट करना है 1 सितंबर को। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो इसका आंसर है हमारे पास, ऊपर स्क्रॉल करके जाओगे तो इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन और ये सेकंड ऑप्शन, आप दोनों ऑप्शन लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रोवाइड सेफगार्ड टू रिलीजन एंड लैंगिगिट माइनॉरिटीज एज पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। द टर्म माइनॉरिटीज इज मोस्ट कॉमनली यूज टू रेफर टू कम्युनिटीज डैट आर न्यूमेरिकली स्मॉल इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। हाउएवर इट इज द कॉन्सेप्ट दैट गोज वेल बिकम नंबर, इट इनकम्पेंसेस इशू ऑफ पावर एक्सेस टू रिसोर्स एंड हैज सोशल एंड कल्चर डायमेंशंस। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट का आंसर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो चलो फिर मैं दूसरा आंसर करवा देता हूँ दूसरा क्वेश्चन का। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज चांस ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज बीइंग मैग्रीग्रेट हायर्स। तो इसका रीजन है, आप लोग ये लिख सकते हो, द इंडिया कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज दैट कल्चर ऑफ मेजॉरिटी इन्फ्लुएंसर्स द वे इन द सोसाइटी एंड गवर्नमेंट माइट एक्सप्रेस देमसेल्फ। इन सच केस साइज कैन बी डिसएडवांटेज एंड लीड टू द मार्जिनलाइजेशन ऑफ देयर रिलेटिवली स्मॉलर कम्युनिटीज। दस नहीं, ये नहीं लिखना आप लोगों को, यहीं तक लिखना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, ठीक है। आप लोगों को ये दो पॉइंट लिखने हैं सेकंड में बस। तो चलो फिर आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर करते हैं थर्ड। थर्ड में क्या पूछा है, हाउ इज इंडियन कल्चर डाइवर्सिटी सेफगार्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आंसर आप लोगों का, आप लोगों का ये आ जाएगा, दस सेफगार्ड आर नीडेड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज कम्युनिटीज अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग कल्चर डोमिनेटेड बाय द मेजॉरिटीज, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का इसी में दूसरा पॉइंट भी आएगा, ये द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड देयर सेफगार्ड बिकॉज इट इज द कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग इंडियन कल्चर डाइवर्सिटी एंड प्रोमोटिंग इक्वली एज वेल एज जस्टिस। ये हो गया आपका आंसर नंबर 3, ठीक है। आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लिख सकते हो आंसर नंबर 3 में। तो फिर मैं करवाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4th और लास्ट। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर कैन पीपल ऑफ इंडिया अप्रोच इफ देयर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। तो इसका आंसर है हमारा, ये लिख सकते हो सिंपल में, एज वी हैव ऑलरेडी रीड द जुडिशियरी प्ले एज अ क्रूशियल रोल इन अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैड बीन अवॉइडेड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4th का आंसर। इसी के साथ हमारा ये वर्कशीट भी कंप्लीट हो गया। अगर वर्कशीट अच्छी लगी हो और वीडियो समझ में भी आया हो तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सारे फ्रेंड को शेयर कर दो, ताकि वो आपके सब फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी वर्कशीट कंप्लीट करके 1 सितंबर से पहले पहले ये वर्कशीट सबमिट करवा दे स्कूल में सब्जेक्ट टीचर के पास। ओके, फिर मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ एक नए वर्कशीट में। थैंक यू।